नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई है। राज्य में इस बार पंचायत चुनाव कई मायनों में अहम होने वाला है। राज्य सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच के अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया है। अब सरपंच को पंचायत की ग्राम कचहरी के साथ ही सड़क, सिंचाई और पशुपालन से संबंधित विकास कार्यों की भी जिम्मेदारी दी गई है। एआरआई न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर हर बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है, साथ ही पंचायत बार ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहा है। आज हम पहुंचे सीवान की सिसवा कला पंचायत, जहां से शीला देवी भावी सरपंच प्रत्याशी हैं। शीला देवी इलाके के बड़े समाज सेवी एवं सिसवा कला पंचायत के पूर्व सरपंच विजयकांत कुंवर की पुत्रवधू हैं। विजयकांत कुंवर के पिता स्वर्गीय शिवबचन कुंवर स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके साथ ही विजयकांत कुंवर के परिवार की गिनती इलाके के प्रतिष्ठित परिवारों में होती है। इस परिवार के द्वारा समय समय पर इलाके के लोगों की मदद की जाती रही है। विजयकांत कुंवर कहते हैं कि अगर पंचायत की जनता ने शीला देवी को सरपंच बनाया तो पंचायत में न्याय के साथ विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एराइज न्यूज लाइव में। इस बार का पंचायत का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो रहा है और आज हम ऐसे प्रत्याशी के निवास स्थान पर हैं जो पूर्व में पंचायती राज व्यवस्था के तहत सरपंच के पद पर सेवा दे चुके हैं। और चूंकि इस बार महिला आरक्षित सीट है ग्राम पंचायत राज सिसवा कला में, और इनकी जो पुत्र वधु हैं यानी पतोहू हैं जो चुनाव के मैदान में है, सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया है और ये आरक्षित सीट है, महिला सीट है। तो विजयकांत कुंवर जी, आप इस पंचायत के सम्मानित जनता से, चूंकि आप इस पंचायत के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और मैं यहाँ बतलाना चाहूँगा कि विजयकांत कुंवर जी जो पूर्व सरपंच हैं, इनके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, देश की आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए आज का जो समय है काफ़ी सौभाग्यशाली समय है। विजयकांत कुंवर जी, आप क्या कहना चाहेंगे पंचायत के सम्मानित जनता से? सरपंच के पद पर फिर मौका मिला सेवा करने का, तो किस तरह से आप काम करेंगे? मैं वादा करता हूँ सिसवा कला ग्राम पंचायत के जनता से कि यदि आप लोगों ने फिर मौका दिया तो आप लोगों का सेवा ईमानदारी से जरूर करेंगे। तो आपके इस पंचायत में ग्राम कचहरी के विषय में हम लोगों ने जानकारी लिया तो सिसवा कला के अलग अलग गांवों में, क्षेत्रों में हमारी मीडिया के टीम ने सर्वेक्षण किया, वर्तमान व्यवस्था से जनता संतुष्ट नहीं है, यानी बदलाव के तरफ इशारा कर रही है। और आपका जो कार्यकाल रहा था 2011 में सरपंच पद पर, उसकी प्रशंसा लोगों के जुबान से सुनने को मिला, तो कहीं ना कहीं जो आपने काम किया था उसके आधार पर आप मत मांगेंगे? बात तो है कि सौभाग्य जनता ने मुझे दिया था, उसमें हम सफल हुए तो जनता को धन्यवाद देंगे। बिल्कुल। और फिर आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आवेदन दे रहे हैं कि सिसवा कला पंचायत की जनता हमें मौका दे सेवा करने का, ईमानदारी से सेवा जरूर करेंगे। अच्छा, पिछले दिनों के तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि जब सरपंच के माध्यम से ग्राम कचहरी में वाद विवाद का निपटारा होता था तो वहां देखा जाता था कि पंच परमेश्वर के भूमिका में सरपंच होते थे और पंचायत की जनता उनके बातों को मानती थी। समय बदला है, सरकार का सोच बदला है और पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ। आपको क्या लगता है कि यहाँ ग्राम कचहरी 5 वर्षों में चला है कि नहीं चला है? ऐसे ग्राम कचहरी तो चला था, लेकिन अब तो ग्राम कचहरी का काम बिल्कुल बंद है, फिलहाल नहीं चला है, फिलहाल नहीं चल रहा जी। तो इस बार पंचायत के चुनाव में अगर मौका मिला तो आप चाहेंगे कि ग्राम कचहरी नियमित रूप से चले? ऐसा तो मेरा धारणा है कि यदि जनता ने मुझे मौका दिया तो प्रयास तो जरूर रहेगा कि वैसे ही ग्राम कचहरी चले और जनता को न्याय मिले। अच्छा, पहली बार बिहार सरकार ने सरपंच का जो अधिकार है उसको बढ़ा दिया है, जिसमें कृषि, पशुपालन विकास, सिंचाई प्रबंधन और सड़क का निर्माण, ये 5 काम जो दिया गया है विकास करने के लिए न्याय के साथ साथ, इस फैसला को आप किस नजरिए से देख रहे हैं?
देखिए यदि ईमानदारी से काम किया जाए तो जरूर पंचायत का विकास होगा, कृषि का विकास होगा, पशुपालन में भी विकास होगा, लेकिन ईमानदारी से यदि किया जाए तो। और यदि मौका मिला तो हम हमेशा अथक प्रयास करेंगे कि यह कार्यक्रम सरकार का सफल हो। अच्छा, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस की बात करें तो यहाँ मामला जो है थाना तक या न्यायालय तक पहुँच रहा है कि ग्राम कचहरी में ही हल हो रहा है? मैंने जब हम थे तो लगभग 95% केस जो ग्राम कचहरी क्षेत्र के अधिकार का बाहर था वही केस न्यायालय में गया है, ये आप लोग पता कर लीजिएगा। आपके समय में? हमारे समय में। अच्छा। बाकी जो भी केस है चाहे किसी विभाग का हो हमारे ग्राम कचहरी में ही उसका फैसला होता था, और हर गांव में जिस गांव जिस मोहल्ले का केस था उस गांव में उस मोहल्ले में जाकर पहले हम स्पॉट निरीक्षण करते थे, उसके बाद जनता का बात सुनते थे और उसी आधार पर हम आकर ग्राम कचहरी में फैसला देते थे। इसलिए कि हम चुनाव घोषणा पत्र में ये घोषणा किए थे कि जहाँ का केस होगा न्याय वहीं के लोग करेंगे, जिसे अमली जामा हम ग्राम कचहरी में पहनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है राइज न्यूज में। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे पंचायत के सम्मानित जनता से इस बार के पंचायत चुनाव को लेकर? हम सिसवां कला ग्राम पंचायत के जनता से एक बार हाथ जोड़कर विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि एक बार फिर से हम लोगों को मौका दें और पंचायत का विकास हम लोग 100% कराने का प्रयास करेंगे। अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात हो रही है? जी जी एकदम मुलाकात हो रही है, और हम लोग तो हमको लगता है कि आज 16-17 साल से राजनीति में हैं, तो 16-17 साल से हम लोग तो जनता के बीच में कोई ना कोई विकास का काम लेके उपस्थित ही रहते हैं। तो हम लोग ये चुनाव को लेकर ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया तो हम लोग घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जनता बताई होगी और आप जाइएगा तो पता भी चले। डायरेक्ट मतलब जुड़े हुए हैं? जी जी हम लोगों का तो बस सामाजिक कार्य ही है। हम अपने पंचायत में कम से कम हमको लगता है कि 2015-16 में जितने भी ट्रांसफार्मर थे 25 KV का टोटल लगभग आप पता कीजिएगा कि सिसवां पंचायत में शायद एक भी ट्रांसफार्मर मतलब काम नहीं कर रहा था, जो कि हमने उस समय के वर्तमान विधायक जी के माध्यम से या फिर बिजली विभाग के माध्यम से पता कीजिएगा टोटल पूरे पंचायत में 63 KV का ट्रांसफार्मर लगवाने का हमने अपना काम किया जो कि सामने। जब तक हम लोग जिएंगे हम लोगों को तो कोई नौकरी करने तो जाना नहीं है, जनता का सेवा ही करना है, तो हमारा तो यही प्रयास है। अब तो समाज में ही अपना जीवन समर्पित है, तो जनता अगर मौका देगी और पद मिलेगा तो हो सकता है कि सरकारी लाभ और ज़्यादा से जनता डायरेक्ट जनता के पास पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखलाना चाहूँगा कि यह वही स्थान है, निवास स्थान है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का निवास है, और ये सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं विजय कांत कुंवर जी जो ग्राम पंचायत राज सिसवां कला से सरपंच के पद पर जनता के आशीर्वाद से जनप्रतिनिधित्व कर चुके हैं और फिर से चुनावी मैदान में हैं। इनके परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय शिव बचन कुंवर जी का तस्वीर है, और सिवान के जो जिला पदाधिकारी थे बाला मुर्गन डी, और साथ ही साथ जो सिवान के पूर्व पुलिस कप्तान हैं आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि उन्हें अंग वस्त्र दे करके सॉल दे करके सम्मानित कर रहे हैं। आइए इस विषय में वो क्या कुछ कह रहे हैं। विजय कांत कुंवर जी यह कार्यक्रम कब हुआ था? लगभग 2010 बाला मुर्गंडी जी के समय में जी, सही तो याद नहीं है। हाँ। लेकिन तो, उन्हीं का समय का है। तो वे लोग यहाँ आए थे ना? हाँ। हर 26 जनवरी 15 अगस्त को हाँ। जिला पदाधिकारी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत करते थे। अच्छा अच्छा, इस तरह से मतलब कार्यक्रम जो हुआ है उसमें मतलब इनको जो है सम्मान मिला। हाँ जी जी, और हर 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 वार हाँ। हर वार इनको सम्मान हाँ। हर वार इनको सम्मानित लोग डीएम लोग करते हैं। अच्छा अच्छा, करते थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जी, और उसमें मतलब सम्मानित किए गए। सबसे पहले इन्हीं को सम्मानित करते थे जी। तो कैसा महसूस हो रहा है क्योंकि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सुपुत्र हैं, इस तरह के लोग बहुत कम धरती पर जन्म लेते हैं। मैंने इसके लिए तो मुझे स्वाभिमान है कि मैं उनका पुत्र कहलाने का
अधिकारी बना। ये जो सम्मान प्राप्त हुआ आपके दादाजी का तस्वीर है जी जी जी, कैसा महसूस हो रहा है? क्या कहा जाए, इससे बड़ा फख्र हो ही नहीं सकता किसी इंसान को कि हमारे दादाजी देश की आज़ादी में अपनी भूमिका उनकी रही और उनका पोता होने के नाते हमको तो लगता है कि शायद दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली मैं हूँ कि उनके नाम से मेरा नाम जुड़ा है। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी सौभाग्य जी जी।